हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में अभी हम जो देखेंगे वो नोकिया 105 का जो चार्जिंग प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक नए तरीके से इजी वे से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे ये जो दोनों पॉइंट है, ये पॉइंट, ये यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर लगता है, ठीक है। यहाँ एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऊपर वाला है ये ग्राउंड है, तो अगर इसे हम यहाँ से ग्राउंड कर लेते हैं, लेट सपोज जो पॉजिटिव लाइन है ना वो यहाँ इस फ्यूज़ पे जाती है। ये ब्लैक कलर का आपको कंपोनेंट नज़र आ रहा होगा, ये फ्यूज़ है। फ्यूज़ उसके बाद जो है ये आउटपुट देता है रेजिस्टेंस को, यहाँ से रेजिस्टेंस से होता हुआ ये जो है कैपेसिटर्स में आता है। कैपेसिटर से ये सीधा जो है ना ट्रांजिस्टर के इस पॉइंट पे आता है, ये पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ से सम वोल्ट जो है फिल्टरेशन होता है, उसके बाद जो है ना ट्रांजिस्टर के ये पॉइंट के साथ में वो रेजिस्टेंस के इस पार्ट में आता है, ये पार्ट में। और यहाँ पे चार्जिंग आईसी लगी है 6 लैक्स की। यहाँ से इनपुट होता है वोल्टेज, उसके बाद जो है वोल्टेज आउटपुट होता है, ये 6 पॉइंट से आउटपुट होने के बाद जो है ना वो इस यहाँ पर आता है ट्रांजिस्टर के ये पॉइंट से, और बाद में इस पॉइंट से जो निकल के है ना आउटपुट निकल के वो रेजिस्टेंस के यहाँ, ये जो रेजिस्टेंस है R150 यहाँ पर आता है। उसके बाद जो है बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट्स पे जाता है ये डायरेक्ट, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है पूरा प्रॉब्लम। अब मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है वो कहाँ पर होती है। तो फ्रेंड, जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती है ना वो फ्यूज़ में आती है। लेट सपोज चार्जिंग से हाई वोल्टेज आया तो फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, तो आप यहाँ से फ्यूज़ को रिप्लेस भी कर सकते हो या ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर सकते हो। तो फ्यूज़ को चेक करने के लिए जो तरीका है ना वो दोनों है कि आपको मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पे रखना, उसके बाद दोनों पॉइंट आप यहाँ पे लगाओगे ना, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, तो वो जो है कंटिन्यूटी शो करेगा। इसका मतलब ओके, आप यहाँ से यहाँ एक पोल रखिए, ब्लैक कलर का जो पोल है, लेट सपोज अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हमने ब्लैक पोल को यहाँ जो है ना यहाँ पे रख दिया, ये हमारा ब्लैक पोल यहाँ पे रख दिया। उसके बाद जो है आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, इस साइड आ रही है ठीक है, इस साइड आ रही है तो फ्यूज़ ओके है। यहाँ पे चेक कीजिए रेजिस्टेंस, अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो रेजिस्टेंस ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर्स देखना है, शॉर्ट तो नहीं है। दोनों साइड पोल पे आप लगाएंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये शॉर्ट है या नहीं। अगर शॉर्ट होगा तो डायरेक्ट यहाँ से करंट जो है वो ग्राउंड हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा, तो भी चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा या चार्जिंग एरर्स भी आ सकती है ऐसी कंडीशन में। उसके बाद जो ये सीधा पॉइंट है ना, तो फ्रेंड ये जो सीधा है ना वो यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर के इस पॉइंट पे आता है। उसके बाद जो है चार्जिंग आईसीस में के लिए जो है ना वो इस रेजिस्टेंस पे आता है, तो कभी कभी ये रेजिस्टेंस भी ख़राब होगा। आपको कंटिन्यूटी से यहाँ चेक करना है रेजिस्टेंस ठीक है, आउटपुट चेक करना है कंटिन्यूटी पे, आउटपुट ठीक है, तो फिर यहाँ ट्रांजिस्टर में प्रॉब्लम्स आती है। ट्रांजिस्टर को क्या करना है, आपके इस पॉइंट से बीच वाले पॉइंट को शॉर्ट कर देना है तो डायरेक्ट लाइन ओके हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप जो अगर फैक्ट चार्जिंग है, चार्जिंग सारी चीज़ें शो कर रही है और चार्जिंग लोड नहीं हो रहा है बैटरी पे, तो ये जो है R150 ख़राब होता है, ये आप यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से जो चार्जिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपने इसे कुछ सीखा है और इस तरीके का वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देखा है तो, ठीक है, थैंक यू।